मटर पनीर खाना किसे नहीं पसंद है, तो आज मैं आप सभी के लिए मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार मेरे इस तरीके से आप मटर पनीर की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और कुछ टिप एंड ट्रिक भी शेयर किए हैं, जिससे कम मसाले में ही आपका मटर पनीर बहुत ही अमेजिंग बनेगा और लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के आसपास पनीर लिया है और मैंने इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लिया। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। अब एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा तेल, आप इसमें बटर या घी भी डाल सकते हैं, और पनीर को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो पनीर जो हमारा रबर बन जाएगा। इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और ये देखिए कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, आप चाहे तो इसे गर्म पानी में भी रख सकते हैं, इससे पनीर सॉफ्ट रहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसे मैंने बारीक कट कर लिया एकदम, आप चाहे तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। अब वापस से एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल, इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है जीरा, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 2-4 मैंने लौंग लिए हैं, थोड़े से मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और साथ ही लिया मैंने 1 हरी इलायची। इसे डालकर कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना है, तो जब तक प्याज भून रहे हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। तो अदरक लहसुन को ना मैं हमेशा से कूट के डालती हूँ मटर पनीर में, काफी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से कूट लिया है। यहाँ पे प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है, प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। उसके बाद इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और प्याज के साथ इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। मटर पनीर में कुटा हुआ अदरक लहसुन का फ्लेवर काफी अच्छा आता है, तो ढककर इसे हम लगभग 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो जब तक ये सभी चीजें भून रहे हैं मसाला पेस्ट बना लेते हैं। तो जो भी आपके पास ड्राई स्पाइसेस है ना, आप उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ही उसे सब्जी में डालिए, इससे उसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। मसाले वापस से रिफ्रेश हो जाते हैं और खुशबू भी काफी अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे और साथ ही 1 चम्मच मैंने लिया है चिकन मसाला, जो इस मटर पनीर की सब्जी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाएगा। तो इन सब में पानी डालकर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है, कलर बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी बनाकर रखा था, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जो है जले नहीं। और जब भी आप मसाला डालें ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी जरूर डालें, इससे मसाले नहीं जलेंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो मसाले को ढककर हम 5-6 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो जब तक मसाले भून रहे हैं, हम यहाँ पे टमाटर कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज के टमाटर लिया है और इसे मैंने रफली कट कर लिया है। इसके साथ इसमें हम डाल देंगे 8-10 काजू। काजू इस मटर पनीर की सब्जी में एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड करता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बस मैंने इसका स्मूथ फाइन सा पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं वो भी भून रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने इसे 4-5 मिनट के लिए लगभग ढक के भून लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं वो ऑलमोस्ट भून गए हैं। अब हम इसमें टमाटर काजू की प्यूरी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 3-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच से कट लगा लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च से ना टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर डालिएगा और इसी स्टेज पे डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। यहाँ पे मटर पनीर के लिए मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मार्केट में फ्रेश मटर मिल रही है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले भी अच्छी तरीके से भून रहे हैं, टमाटर भी हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो यहाँ पे मैं बॉयल मटर यूज नहीं कर रही हूँ, मसाले के साथ ही मटर को हम भून कर अच्छी तरीके से कुक करेंगे, तो मसाले भी अच्छी तरीके से भून जाएंगे और हमारा जो मटर है उसमें भी मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे डाल दिया मटर, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए और मटर भी हमारा कुक हो जाए। यहाँ पे देखिए मसाले और मटर काफी अच्छी तरीके से भुन गए हैं, साथ ही मटर भी हमारा कुक हो गया है। मैंने यहाँ पे बॉयल मटर का यूज नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ी अच्छी तरीके से मटर को पका रही हूँ, क्योंकि मटर को हमें इसी में कुक करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे हम 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब इस सब्जी के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए और क्रीमीनेस ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे दूध की ताजी मलाई ली है, इसे अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। इसे ऐड करने से मटर पनीर
पनीर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और जो इसकी ग्रेवी है उसमें क्रीमीनेस आती है और रिचनेस आती है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे मलाई डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं मलाई डालते हैं इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी बदल गई है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया इसमें। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक का इस्तेमाल हमने मटर डालने टाइम भी किया था, तो आप उसी के हिसाब से डालें और इसे डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे हमें 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनना है ताकि मटर, पनीर और मसाले सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से भून जाए और उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने ढककर इसे 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। मसाले को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे सब्जी जो है हमारी उतनी स्वादिष्ट बनेगी। तो इसे अच्छी तरीके से हमने भून लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। स्वादिष्ट सब्जी बनने का बस एक ही राज है कि आप सब्जी को और मसाले को अच्छी तरीके से भूनें। तो यहाँ मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी। तो आप जितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं ग्रेवी की आप उसके अनुसार पानी डाल दें और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। हमें जब तक मिक्स करना है इसे जब तक इसमें अच्छी उबाले ना आ जाए, और जैसे ही मटर पनीर में एक उबाल आ जाएगी हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और साथ ही हम डाल देंगे इसमें रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना हल्का सा रोस्ट कर लेने से उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी आती है, तो हल्का सा आप रोस्ट करके डालें काफ़ी अच्छी लगती है। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है हमें, 3-4 मिनट इनफ है इसके लिए। तो यहाँ पे ढक्कन हटाया मैंने और ये देखिए कितनी अच्छी उबाले आ रही है, सब्जी हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। लास्ट पे इसमें हम बारीक कट किया हुआ धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अगर आपको कम या ज़्यादा लग रही है तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारी मटर पनीर बनकर एकदम रेडी है। इसका ढक्कन लगाकर हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 5 मिनट बाद आप इसे गर्मा गर्म पूरी, पराठे या किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। हर चीज़ के साथ ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। ये मटर पनीर रेस्टोरेंट और ढाबा में मिलने वाले मटर पनीर से कई गुना ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बेसिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाया है ताकि कोई भी बिगनर या बैचलर इसे आसानी से बना सके। तो यदि आप भी बैचलर, बिगनर या प्रो है तभी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और यदि रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही नई मजेदार और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।